फाइव स्टॉक्स है जो कि जबरदस्त करेक्शन पे ये सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे बिल्कुल आपका पैसे को डबल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे स्टॉक में बाइंग करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या है, ये वीडियो को पूरा देखिए, हर एक स्टॉक के बारे में जानिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, और स्टॉक में इतना बड़ा जब करेक्शन हुआ है क्या इसमें कितना बड़ा रिस्क है, ये सारी चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जब सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसी के बातों के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है और सीखना है, और उसी के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। दूसरे के बातों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपको खुद को भी एक बार ट्रायल भी लेना है, और खुद का भी एनालिसिस जरूर करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे जो पहला कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बालाजी अमाइन बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्टॉक यहाँ पे देखिए 7,200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो उसी के साथ में अगर हम स्टॉक का पी के बारे में बात करेंगे, तो 18 का पी पे चल रहा है, और उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का देखने को मिल रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में अगर बात करेंगे तो 8% का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ में स्टॉक का जब लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे, तो 5,224 स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 2,226 के पास में ट्रेडिंग हो रहा है, अच्छा अच्छा करेक्शन पे आपको मिल रहा है। उसके साथ में अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लेकिन कंपनी कोई प्रॉब्लम है क्या, कंपनी का अगर हम प्रॉब्लम देखेंगे ऐसा कुछ कंपनी में प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 50% का है। उसके साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 8% का है, और कंपनी जिस सेगमेंट में है, केमिकल सेगमेंट में, केमिकल सेगमेंट में काफ़ी सारा स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। तो ये सेक्टर अभी डाउन है, इसका मतलब नहीं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कंपनी का अगर हम प्रमोटर के होल्डिंग भी देखेंगे, तो भी 53.7% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रमोटर प्लेस भी 0 देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में आरओई भी 34.4% का देखने को मिल रहा है। उसके साथ में मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हर एक ईयर में ग्रोइंग होते जा रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में अगर हम दिसंबर में बात करेंगे, तो लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कंपनी में प्रॉफिट कोई 1-2 क्वार्टर कभी भी खराब आ सकता है, ये चीज़ के लिए हमें बिल्कुल भी प्रिपेयर रहना है। तो ये जो करेक्शन होता है ना, तो ये टाइमली करेक्शन के साथ में हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट देखेंगे, लास्ट यहाँ पे मार्च 2020 को कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉफिट हम देख रहे थे, तो 97 करोड़ का था, उसके बाद में 243 हुआ, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 418 करोड़ हुआ, उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो लास्ट 4 क्वार्टर में 481 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं, तो कंपनी का रिजर्व देखिए 1438 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, और बोरोइंग कितना है, ओनली 111 का बोरोइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ में अगर हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, 53.71% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 4.45% का होल्डिंग है, और डीआई के पास में अगर हम बात करेंगे तो 0.34 है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रांग हैंड्स से अगर जो होल्डिंग है 41% से अगर हम देखते हैं, तो स्ट्रांग हैंड्स में जो होल्डिंग है अगर हम उसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंट निकल जाता है, तो यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 5% है, 8% है, 10% है, उसके साथ में यह है 6% है, मतलब यहाँ पे 16% निकल जाएगा। तो अराउंड यहाँ पे 24% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो लेकिन कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है, कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो बिल्कुल अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, तो बिल्कुल ये स्टॉक के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ में अगर आप देखेंगे स्टॉक का सीएजीआर 10 साल में 50% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया रहा है, और लास्ट 5 साल में 27% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दे रहा है। कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग भी शानदार है, सारे शानदार है। तो जरूर इस स्टॉक के बारे में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, और स्टॉक में एक रिवर्सल भी आ चुका है, तो अभी इस लेवल पे जरूर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि एचएलई ग्लासकोट। फ्रेंड्स ये जो कंपनी है ना, जबरदस्त कंपनी है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे कंपनी का, देखिए कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का अबव देखने को मिल रहा है। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे, तो स्टॉक का अगर लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं, तो 1510 स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 600 के पास में, अच्छा सा करेक्शन पे आपको मिल रहा है। उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग देखिए 70% का है, और प्रमोटर प्लेज यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम स्टडी करेंगे, तो कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे 150 करोड़ का कंपनी का सेल्स भी देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, उसके साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ में अगर हम देखेंगे लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला है, लास्ट 2-3 क्वार्टर से, लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी में बहुत बढ़िया से यहाँ पे ग्रो कर सकता है, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में है वो फील्ड में अभी थोड़ा सा प्रेशर में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं ना, ये केमिकल इंडस्ट्री का इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ड्रायर फिल्टर ये सारे कंपनी यहाँ पे बनाती है,
और सेम अगर आप स्पियर्स कंपनी के साथ में जाएंगे ना, तो जीएमएम फर्टिलर में भी वही सेम टू सेम प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी में प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 70.32% का तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 4.31% का होल्डिंग है। रिटेल पब्लिक के बारे में अगर बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे जो 24% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10% अगर निकाल देते हैं तो अराउंड 14 to 15% का होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में कंपनी ने 56% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया, और पिछले 5 साल में यहाँ पे 80% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया। एक बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक भी साबित हुआ है। तो यहाँ पे जरूर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, जरूर ये आपको बहुत बढ़िया पैसा कमा के दे सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो लाइफ टाइम हाई तक अगर आप होल्ड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि ये भी वही स्टॉक है जो कि जबरदस्त पिटाई पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए इंडिगो पेंट है स्टॉक का। अगर लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो 3348 है, जब से आईपीओ आया है स्टॉक में गिरावट है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 5,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ये सारे के सारे जो कंपनी में बता रहा हूँ ना, सारे के सारे स्मॉल कैप स्टॉक है, सारे स्टॉक बहुत बड़ा करेक्शन पे मिल रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आरओसी देखिए 18% का अबव आरओसी है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ओनली 2% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, और प्रमोटर के पास में 54% का होल्डिंग है। उसके साथ में अगर हम देखेंगे ना, देखिए स्टॉक एक बिल्कुल कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, 118 करोड़ का कंपनी का तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर में देखने को मिला है। उसके साथ में सेल्स के बारे में बात करेंगे तो 1,036 करोड़ का तो कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, 71 करोड़ था, उसके बाद में 84 हुआ, उसके बाद में 118 हुआ। उसके साथ में कंपनी का सेल्स भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे 648 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, 53.98% का तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 8.8% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 3.2% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे जो 33% का होल्डिंग है ना, तो यहाँ से अगर हम निकाल देते हैं स्ट्रांग हैंड्स में जो होल्डिंग है 25% का, तो अराउंड रिटेल पब्लिक के पास में 8% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और कंपनी यहाँ पे बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में बिल्कुल एक रिवर्सल आ सकता है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में एक बढ़िया सा तेजी देखने को मिला है, बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में, ये थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक में आगे चल के एक तेजी आ सकता है। दूसरी बात है, हम किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं, अगर वहाँ से थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में 3% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो एक ही स्टॉक के अंदर में हमें 30 से 35 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसी हिसाब से पोर्टफोलियो भी हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, उसी हिसाब से हमारा रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को जान के समझ के हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि लक्स इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनी है ना, 4,200 करोड़ का तो कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 34% का देखने को मिल रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 25% का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 25% का कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल रहा है, और कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है। और कंपनी में अगर हम देखेंगे करेक्शन एक बहुत बड़ा हुआ है, जो कि स्टॉक का लाइफ टाइम हाई अगर हम बात करेंगे 4,644 है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1,415 के पास में। एक अच्छा सा करेक्शन पे स्टॉक आपको मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेयर भी आपको देखने को मिलता है अपने सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो। इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, कंपनी आगे आके एक बढ़िया सा यहाँ पे ये दे सकता है। कंपनी का डिविडेंड भी यहाँ पे 0.85% का कंपनी का डिविडेंड है, और उसी हिसाब से डिविडेंड यील्ड देता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, आगे चल के इसमें भी एक बढ़िया सी तेजी आ सकता है, जिस हिसाब से इंडिकेशन देखने को मिला है, और बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में जिस हिसाब से रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में बिल्कुल आप लाइफ टाइम हाई तक भी लेके चल सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई तक अगर आप होल्डिंग इसमें बनाते हैं तो भी यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि 1,400 रुपये के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे 3 गुना अगर आपका कैपिटल होता भी है ना, तो 14, 3, 42 तक जा सकता है। 4200 तक अगर जाता है तो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा 200% का रिटर्न भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी हो सकता है, कहीं आपको स्टॉक थोड़ा सा मूवमेंट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई स्टॉक में आपको 6 महीने लग सकता है, कोई स्टॉक में 1 साल लग सकता है। अगर 2 साल भी लग जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 ईयर्स में कोई भी स्टॉक में अगर हमारा कैपिटल डबल हो जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टॉक में अच्छा कंपनी है लेकिन मार्केट का सिनेरियो के देखे उस स्टॉक में करेक्शन हुआ है, तो उस स्टॉक में मैं जरूर पोजीशन बनाता हूँ। मैं जो भी स्टॉक आपको बता रहा हूँ ना, ये डिस्क्लेमर के लिए मैं बता देता हूँ, सारे स्टॉक में मेरा पोजीशन बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद के यहाँ पे एनालिसिस के बेस पे लीजिए, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन होता है ना उस
उस टाइम पे डर के फिर सेल करके निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी हूँ, और जबकि वो बोल के आते हैं, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब बोल के आते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में अभी 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड करके चल सकते हैं, 1-2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट अगर 6 महीने के लिए नहीं चलता है ना, तो वहाँ पे वो बहुत परेशान होकर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे करेंगे ना मार्केट में, बिल्कुल आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको पेशेंस के साथ में होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना अच्छी कंपनी क्यों ना चूज कर ले, हो सकता है वो स्टॉक बिल्कुल 6 महीने तक ना भी चले, 1 साल भी ना भी चले। तो उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है, और अपना जॉब के साथ में, अपना बिजनेस के साथ में जरूर आपको पोर्टफोलियो यहाँ पे बढ़िया से लेके चलना है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, स्टॉक मार्केट से मुझे रोजी रोटी कमा के यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसे बनाना है, तो आप बहुत बड़ा वहाँ पे गलतफहमी में है। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है, वहाँ पे सारी चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग का स्टाइल कुछ अलग होता है, लेकिन हम आज ट्रेडर नहीं है, हम क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपने हिसाब से जॉब के साथ में या तो फिर बिजनेस के साथ में ये सारी चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट कंपनी है, जो कि यहाँ पे दौलत आलगोटेक, ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। स्टॉक का पी देखिए, ओनली 5.6 के पास में पी आ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, यहाँ पे 882 है। फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल प्रेशर में है, तो ये कंपनी भी बहुत बड़ा प्रेशर में है। अगर आप देखेंगे तो 41% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 42% का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। उसके साथ में कंपनी यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए, 239 यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू है, और स्टॉक यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रहा है 50 के पास में। बिल्कुल इंट्रेंसिक वैल्यू से लेके अगर आप यहाँ पे स्टॉक का करंट प्राइस से लेके इंट्रेंसिक वैल्यू तक अगर आप देखेंगे तो 5 गुना आपका पैसा हो सकता है। और बुक वैल्यू देखिए, यहाँ पे 34 का तो बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 74.5% का तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और स्टॉक का लाइफ टाइम हाई देखिए 128 है। स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 50 रुपये के पास में, एक बिल्कुल यहाँ पे पैसे आपका डबल हो सकता है। उसी के साथ में कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखिए, हर एक ईयर में कंपनी का सेल्स बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोइंग हो रहा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है। आगे चल के बिल्कुल आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि ये कंपनी बिल्कुल आपको रिटर्न अच्छा कमा के दे सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का कोई इशू नहीं है, मार्केट का सिनारियो के साथ में स्टॉक गिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ को सीखना है और समझना है, और अपना पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से इंप्लीमेंट करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ अगर गलत स्टॉक है तो जरूर आपको रीच्यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी आपको नीचे लेवल पर मिल रहा है। दूसरी बात है, जो स्टॉक अच्छे अच्छे कंपनी का स्टॉक अभी एक अच्छा सा लेवल पे आ चुका है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल है, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भूलना मत, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक भी आ चुका है जो कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल तक, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।